नमस्कार, स्वागत है ग्रैंड न्यूज में आप सभी का और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए देखते हैं ग्रैंड न्यूज की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जमीन के टुकड़े को लेकर बेटे ने रची माँ बाप भाई और बहू के हत्या की साजिश। ग्रैंड न्यूज के खुलासे पर जिला पुलिस ने लगाई 87 दिन बाद मोहर। सेक्टर 6 साई बाबा संस्थान में होगा चतुर्थ कुंभाभिषेक। दक्षिण भारतीय वेद पंडितों द्वारा होगा संपन्न। जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की मनमानी के खिलाफ दीपा ने खटखटाया न्याय का दरवाजा, लगाई जिलाधीश से गुहार। और शॉर्ट सर्किट से लगी आग, जला गरीब का आशियाना। गरीबों ने मिलकर तालाब और घर के पानी से बुझाई भीषण आग। अब खबरें विस्तार से। खुरमुड़ा हत्याकांड का खुलासा जिला पुलिस ने गुरुवार को किया। मीडिया से रूबरू होते हुए आईजी विवेकानंद सिन्हा, एसपी प्रशांत ठाकुर और एडिशनल एसपी शहर रोहित झा ने जमीन विवाद को लेकर पारिवारिक हत्या की बात आरोपियों द्वारा स्वीकार करने की बातें कही हैं। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र पाटन में अमलेश्वर थाना अंतर्गत गांव खुड़मुड़ा में 21 दिसंबर की रात्रि सोनकर परिवार के बालाराम सोनकर, दुलारीबाई सोनकर, रोहित सोनकर और बहू कीर्तिन सोनकर की उनके बाड़ी में हत्या कर दी गई थी। वहीं 11 वर्षीय दुर्गेश सोनकर को घायल अवस्था में मृत समझकर आरोपीगण भाग गए थे। हत्या का कारण 1.25 एकड़ जमीन को लेकर आरोपी गंगाराम का विवाद माँ दुलारी सोनकर से हुआ करता था। ने दिनांक 21/12/2020 को थाना अमलेश्वर के ग्राम खुरमुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या और साथ में एक बच्चे को भी हत्या का प्रयास किया गया था, और जिसकी सूचना 21/12/2020 को थाने को प्राप्त हुई थी, जिस पर से वहाँ पे थाने की टीम, जिले की टीम, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके का निरीक्षण किए, और उसके बाद मौके का निरीक्षण करने पर जिस प्रकार से वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए, और ये एक तरह से बिल्कुल अंधे कत्ल का मामला था, ब्लाइंड, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोई साक्ष्य नहीं थे, इसकी विवेचना के लिए एक टीम बनाई गई और उन टीम के द्वारा पूरे अथक प्रयास किया गया, और जिसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य जो घटनास्थल से मिल सकते हैं उसमें हमने फॉरेंसिक विशेषज्ञ का मदद लिया, और साथ ही साथ जो हमारे पास जो अनुभवी अधिकारी हैं उनकी सहायता ली गई और वहाँ से महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल किए गए। साथ ही साथ में जो हमें विवेचना से जो संदेही लग रहे थे उनका, प्लस अन्य लोगों का, हमने गांधी में जो सेंटर फॉरेंसिक लेबोरेटरी है गांधीनगर गुजरात में, वहाँ पे हमने उनका वैज्ञानिक परीक्षण कराया, और इसके बाद हमारी विवेचना से और वैज्ञानिक परीक्षण से जो हमें तथ्य हमारे सामने आए उसके आधार पर हमने संदेहों से पूछताछ की, और उसके आधार पर फिर हमें जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर हमने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से गंगाराम सोनकर, उसके साथ में 3 अन्य आरोपी हैं जो कि वहीं खुरमा के और खुरमुड़ा के आसपास के रहने वाले हैं, और मुख्य रूप से इस जो सनसनीखेज हत्या का मामला है, लोग हर से काफ़ी संवेदनशील, इसके पीछे पारिवारिक विवाद है गंगाराम सोनकर, जिनकी की जमीन जो मृतक हैं बालाराम सोनकर, उनकी पत्नी दुलारी बाई, उनका पुत्र रोहित और कृतिन बाई, उनके पास में इनकी भी जमीन है गंगाराम सोनकर की, और अपने जमीन से, इनके जमीन से होके रास्ता चाह रहे थे, जिसका हमेशा विरोध उसकी माँ गंगाराम सोनकर की जो माँ है उनके द्वारा किया जाता था, साथ में इसका सपोर्ट जो गंगाराम का भाई है जो रोहित सोनकर जो मृतक है उनके द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त इन लोगों का शामिलात खाता है, जिसको कि गंगाराम सोनकर हमेशा अपनी माँ को अलग करने के लिए बोलता था, जिसका कि माँ के द्वारा हमेशा विरोध किया जाता था, इन्हीं सबको करते हुए इन्होंने एक प्लानिंग के तहत और घटना कारित करने के पूर्व कई बार साथ में मिले, घटना करने के दिन भी शाम में मिले, घटना करने के पूर्व भी साथ में मिले, और इसके बाद सभी लोगों ने एक राय होकर इस घटना को अंजाम दिया, और अभी हमें मतलब कि इसके गिरफ्तारी के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल हो गए, साथ में हमारे पास वैज्ञानिक साक्ष्य भी हैं, और अभी भी इस प्रकरण को हम विवेचना कर रहे हैं और उसमें और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल होंगे।
खुड़मुड़ा हत्याकांड में ग्रैंड न्यूज ने 42 दिन पूर्व ही खुलासा कर दिया था। पूरी घटना का एकमात्र चश्मदीद गवाह दुर्गेश सोनकर ने पुलिस को पहले ही आरोपियों की शिनाख्ती कर दी थी, लेकिन पुलिस और भी साक्ष्य की तलाश कर रही थी। गुजरात के गांधीनगर से वैज्ञानिक परीक्षण करवाकर दुर्गेश के बयान पर अपनी मोहर लगा दी गई। कौन है तेला ढंग से देखे नहीं होला बुला तक नहीं देखे थे हां नहीं देखे अच्छा का बोला था इसको ओ आगे ले पे तो वो एक कनी कात रही 3 बजे कात रही से का कात रही 3 बजे एक कनी आगे ले पेल दे बहु कात रही से आगे ले पेल दे एक कनी आगे ले पेल दे बहु कात रही माला मोर तो दाईला बोला था इसको माला हां तो आगे जली फिर नहीं मैं मार के है बोलते जलाई से मां आगे जलाओ की के पूछे होता मां आगे जलाओ की के क्यों तान जलाई से बे अच्छा अच्छा फिर का हुई जलाई तान वो जो डंडा ले बैठी से एक जन को वाला ढंग से देखे नहीं अच्छा दू जन आई रही वाला ढंग से देखे नहीं पहली बार तो देखे रहते होला कदला जो नाय रहिस हां पहली बार देख रहे हो कुछ नाम नहीं बताई का अपन नाम नहीं का नाम बता थे इसको नाम नहीं बताई से नाम नहीं बताई नहीं तो दाईला नहीं बताई तो नाम लगा का नाम इकर दाईया ने बताई रही से वाला नहीं जाने का बोले रे दाईया हैं का बोले रे दाईया दाईया माँ पूछे रही थी ना तैसे बोले रही थे दाईया का बोले कौन हो के पूछे रही था मनीषा को कर बहनी के बेटा के बोले रही दाईया मनीषा के बहनी के बेटा हवे उसने बोले रही दाई ये कौन है मनीषा कौन है मनीषा वहाँ जग रही थे कहाँ वहाँ दी जग कौन रहा वहाँ जग रही थे महासमुंद रहा नहीं वहाँ जग रही थी कौन रहा मनीषा ये जहाँ पढ़ रही थी यही डाल रहे थे मनीषा में मनीषा के दाई बेटा बता रहे थे नहीं मनीषा काका बहनी का बेटा मनीषा काका बहनी का बेटा है नहीं मनीषा काका बहनी का बेटा मनीषा की बहन का बेटा है मनीषा के बहन के बेटा है हाँ का नाम बताई तो कर नाम नहीं बताई अभी देख भी पहचान ले बेटे हाँ हाँ कैसे दिखा थे वहाँ कलवा टाइप की रही से कलवा टाइप की और का खुकरी खुकरी बने रही थी खुकरी हाँ बने रही से तो फिर वो खाई थी वहाँ खाई रही से दाई बोला नहीं जानो खाई रही थी दाई का खाई सी और तेज अब सवेरे उठ के गए तो का देखे थोड़ा उठे ना तो मैं आगे चला के माल आता हूँ जले से बता एक जन आई रही से उन तेला ढंग से देखी नहीं बाद ओढ़ा गीस पापा कैसे नहीं होती कि गी से बता तान टाका जगह जाके आदाई की चिल्ले तान में गया वो कौन चिल्ला रही आदाई की माँ माँ हाँ फिर से गया टाका रहा हाँ तान गया दौरा नहीं ये जगह आगे रही से भी मत जाओ डांग कहीं नहीं है कि तान में दौरा तब बिल जागे में सुध भी काती तब बिल भागत चल दी तो चलो फिर धक्का दे रही से वो हाँ तान आग बाद आके मारती पाछू रहन लगे पाछू रहन लौटी मारे है लौठी नहीं मारे पाछू डाल लाख मारी से भी पाछू डाल लिया के मारी से कतर जन नहीं तुम दो जन है एक जन रही मैं दो जन वाला देखी दो जन ला देखे थे हां ये ठन मनीषा की बहनी के बेटा है और ये ठन दूसरा कौन रही वो नहीं जानो वो कैसे दिखत रही वो लाली टोपी पहने रही लाली टोपी हां रात को लाली टोपी पहने रही वो हां वो कुछ बोले नहीं तो ना तो नाम हम नहीं पुकारी नहीं पुकारी नहीं पुकारी दुर्गेश एक बात ला ध्यान कर भाई उस दिन रात में ना जब ते गेस है ना और दाई है खुकरी बना खिलाए रही ठीक है तो वो हाँ कैसे दिखत रही एकदम अंदाज से बताबे ना बोला कभी देखे हंसते हैं पहले और ना और पहले कभी नहीं देखे हंस तो तुर घर में कभी आए रही तो
कभी नहीं आए रही पूरा देखे तो पहचान नहीं बेटे मनीषा के जो बहनी के बेटा ला कहते वो हाँ बोला कभी देखे मनीषा के बहनी बेटा ला मनीषा को बहनी बेटा देख डाले कैसे दिखते हो वो तो कल गाड़ा में तो ऐसे नाम नाम ये फोटका टाइप के नहीं है चेचक के दाग है ऊपर चेचक के दाग टाइप के है ऊपर चेहरा में नान नान है वे का है दाग है ना तो ये जो आ रही थी यू के चेहरा में दाग है का बोली चलो तो नाम ले पुकारा था इसका बोला ना तो नाम ना नहीं लीस नहीं दाई करा जाके बैठी रही दाई संग पाछू पाछू घूमे होकर दाई के अच्छा दाई के पाछू पाछू घूमे और दाई के पैर छुए रही दाई के नहीं दाई होकर पैर छुए रही अमलेश्वर पुलिस ने 87 दिन बाद गंगाराम सोनकर नरेश सोनकर योगेश सोनकर उर्फ महाकाल गंगा सोनकर और रोहित सोनकर उर्फ रोहित मौसा को धारा 302, 307, 201 के तहत गिरफ्तार कर खुड़मुड़ा हत्याकांड का खुलासा किया। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। श्री शिरडी साई बाबा संस्थान सेक्टर 6 भिलाई द्वारा कुंभाभिषेक किया जाना है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर बाबा के भक्तों में खुशी की लहर व्याप्त है। चतुर्थ कुंभाभिषेक का धार्मिक आयोजन श्री शिरडी साई बाबा संस्थान सेक्टर 6 भिलाई में किया जाना है। मंदिर समिति से जुड़े लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि चतुर्थ कुंभाभिषेक 20, 21 और 22 मार्च को होगा, जिसमें गणपति पूजा, अग्नि मंथन, श्री साई बाबा का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूर्णाहुति जैसे कई धार्मिक कार्य सम्पन्न किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रतिमा को तालीम स्टूडियो दादर मुंबई से निर्माण के पश्चात प्रथम प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 1986, द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा 1998, तृतीय प्राण प्रतिष्ठा 2009 और अब चतुर्थ प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 2021 को होगा। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दक्षिण भारतीय वेद पंडितों के द्वारा संपन्न की जाएगी। मंदिर में जो वहाँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है 20 तारीख से 22 तारीख तक 21-22 तीन दिन कार्यक्रम होगा, जिसमें साउथ से हमने अपने पंडितों को बुलाया हुआ है। रोज जो कार्यक्रम शुरू होगा गणपति पूजा से शुरू होगा और रोज का कार्यक्रम शाम तक चलेगा। इस तरह हम लोग सब इसमें जुड़े हैं। आयोजन तो बहुत कुछ सोच के रखा था, बट लेकिन ये कोरोना काल का वजह से 50 आदमी का परमिशन मिला, इस वजह से सिर्फ 50 लोगों का साथ में ही ये करेंगे, मतलब योजना करेंगे। और दूसरा बात ये कि हम लोग पालकी निकालेंगे सोचा था, पालकी का कोई लिमिट नहीं है, यहाँ से निकलेगा 50 आदमी, वहाँ जाके 500 आदमी होगा, इसीलिए उस पालकी को भी बंद कर दे, वैसे भजन कार्यक्रम करते तो वो भी बंद कर दिया गया, सिर्फ सिंपल पूजा होगा मंदिर का। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टरों की मनमानी का खामियाजा मरीजों को किस कदर भुगतना पड़ रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दीपा रंगारी है। अगर कुछ मिनट की और देरी होती तो जच्चा और बच्चा दोनों ही इस दुनिया से अलविदा कह चुके होते। बुधवार की सुबह जिला चिकित्सालय में प्रसव वेदना से कराहती दीपा रंगारी को उसके परिजनों ने भर्ती कराया था। सुबह 9 बजे की जगह 11:30 बजे ड्यूटी पर पहुंची डॉक्टर ममता पांडे ने उन्हें ब्लीडिंग अवस्था में प्रसव कक्ष से बाहर निकाल दिया था। मरणासन अवस्था में परिजनों ने दीपा को बीएसपी मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां बच्चे की बंद हो चुकी हार्ट बीट को भी डॉक्टरों ने न केवल सही किया बल्कि नॉर्मल डिलीवरी करा, जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाई। 5 बजे मुझे लीवर पेन शुरू हुए, 6 बजे मैं ग्रुप हॉस्पिटल पहुंची जी, और मुझे वहां जूनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के कहा कि आपको डायबिटिक है, तो हमारे सीनियर डॉक्टर आपको आके चेक करेंगे जी। वो डॉक्टर 9 बजे आने वाली डॉक्टर दोपहर 11:30 बजे आके में मुझे चेक किया जी, और बच्चेदानी का मुंह पूरे तरीके से खुल चुका था, ब्लीडिंग हो रही थी, और फिर मेरी रिपोर्ट देख के मुझे कहा गया है कि आपको डायबिटीज है, तो आपका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, मशीनें नहीं है, और मुझे बोला गया है कि 36 साल की उम्र में कौन बच्चा पैदा करता है करके। तब तक मेरी हालत, मैं लेबर रूम में ही थी, तब तक मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, ना मैं चल सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना उठ सकती थी। लड़खड़ाते हुए मैं बाहर पहुँची, अपने परिवार वालों को बताया, फिर भी मेरे परिवार वालों वहाँ जाके समझाए हैं कि मैडम
इलाज ट्रीटमेंट चालू कीजिए, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि हम उसको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर सके। मुझे दो हॉस्पिटलों का ऑप्शन दिया गया, पहला मेकाहारा, दूसरा है शंकराचार्य। फिर हमने ये फिर भी यही बोला कि इतनी परिस्थिति खराब है तो हम दूसरे हॉस्पिटल अभी नहीं जा सकते हैं, आप इलाज चालू कीजिए। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे इलाज नहीं चालू कर सकते क्योंकि यहाँ मशीनें नहीं है, सुविधा नहीं है आपके लिए, डायबिटीज़ पेशेंट हो। और मेरे और मेरे बच्चे की जान को इतना खतरा था कि मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कि क्या नहीं तो करूं। परिवार वाले फिर मेरे परिवार वालों ने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर 9 में लाए, जहां मेरा इलाज पानी हुआ और मैं और मेरी बच्ची आज इससे बाहर आ गए हैं। मतलब मेरे जान का खतरा था तो उस खतरे से मैं और मेरी बच्ची दोनों बाहर निकल चुके हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि उन डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मेरे साथ हुआ वो घटना किसी और के साथ ना हो, क्योंकि वहाँ अमीर गरीब दोनों प्रकार के मरीज जाते हैं। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर ममता पांडे के खिलाफ दीपा के भाई सुनील मेसराम ने गुरुवार को जिला कलेक्टर, एसपी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपी डॉक्टर पर कार्यवाही करने की मांग की है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। बालोद जिला मुख्यालय के वार्ड 11 स्थित जवाहर पारा में बुधवार की रात्रि बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से गरीब की झोपड़ी में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में रखा घर गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। लेकिन मामले में नगर पालिक व स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते न पानी का टैंकर पहुंचा और न ही अग्निशमन की गाड़ी पहुंची, जिसके कारण वार्ड वासियों द्वारा मजबूरी में तालाब व अपने घरों से पानी लाकर झोपड़ी में लगी आग को बुझाना पड़ा। मामले पर स्थानीय वार्ड वासियों की माने तो इस आग को बुझाने में सिर्फ वार्ड वासियों का योगदान रहा, लेकिन मामले में वार्ड वासियों की माने तो इतनी बड़ी घटना के बाद भी ना ही जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे ना ही जनप्रतिनिधि। वहीं इस आगजनी के बाद गरीब का आशियाना जलकर राख हो चुका है, लेकिन इस भीषण आगजनी के बाद भी प्रशासन की टीम नहीं पहुंचने से पीड़ित परिवार आशियाने के लिए भटकते नजर आए। तो वहीं जब वार्ड वासियों ने मदद की गुहार लगाने स्थानीय पार्षद के घर पहुंचे तो पार्षद तो नहीं मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा में पुलिस बल नजर आए। वहीं मामले को लेकर वार्ड वासियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इतने बड़े घटना के बाद भी नगर के जिम्मेदार अधिकारी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, इस पर सवाल उठाए। यहाँ कहीं फायदा नहीं मिली, कोई सहयोग नहीं मिली। यहाँ से पार्षद घर भी गए, महिला मन पूरा वहाँ गए तो पुलिस फोर्स आई और पार्षद ऊपर चढ़ गए, बाहर नहीं निकली। पुलिस वाला आई, का कंडीशन है, कार लिए आए हो पुलिस? हम बोले भैया हमारे ऊपर परेशानी है, पार्षद हमारे मोहल्ला में नहीं गिस, खड़ा नहीं हुई तो कर लिए हम कर यहाँ आहन थोड़ा से बात करने के लिए। पुलिस वाला हम लोग को भगो भगो बोल दी। सबसे पहले ना हमारे यहाँ की लड़की इधर से नहा कर रही थी तो ये खंभे में शॉर्ट सर्किट हो रहा था, चिंगारी फेंक रहा था, उसके बाद में चिंगारी इनके घर में फेंका और वो धुआं निकलने लगा। आग उतना समय नहीं फैला था, धुआं जैसे ही निकलने लगा हम लोग बस्ती में इधर पे चिल्लाए, तुरंत पार्षद के कने फोन लगाए। पार्षद के कने मैं 5 बार से फोन लगाई हूँ, पार्षद फोन नहीं उठाया, 6वें बार में फोन लगाई हूँ, फिर वो उठाया तो बोला मैं निकल गया हूँ, गाड़ी भी निकल गई है, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं, और फिर पार्षद नहीं आया। आग देखते देखते मैं पूरा फैल गया, पूरा फैल गया, उसके घर में पूरा आग लग गया, पूरा उसका घर तहस नहस हो गया, तब भी पार्षद नहीं आया। यहाँ पर हमको प्रशासन से कुछ भी नहीं मिला है, जो किए हैं पूरे मोहल्ले के लड़के बच्चे तालाब से घर से, आज किसी के घर में एक गिलास पीने के लिए भी पानी नहीं है, किसी के घर में पूरा आग बुझाने में पानी लगा है, आप घर को जाके चेक कर सकते हो, एक गिलास पानी नहीं है घर में। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली भैया? प्रशासन से कोई मदद नहीं मिले है, पूरा मोहल्ला वाले पूरा पानी बुझाए, बाल बच्चा मिलकर तालाब से पानी लाए हैं और वो खंभा से आग लगे हैं। हाँ। और घर में तो अच्छा है कोई नहीं रही, से तो बन गया, फिर पार्षद के पास फोन करें, पार्षद फोन नहीं उठा के अभी आ तो तुरंत बोलीस, वो आबे नहीं करी, सभी तो पूरा आग बुझ गए तब भी नहीं आई, घर में गए तब भी वो नहीं लगे दरवाजे से अंदर रही से वो। तो हम चाहते भैया अगर पूरा ये दे और इस्तीफा दे दे पार्षद, वो पार्षद नहीं चाहिए, जो हमारे मुसीबत में काम है तो पार्षद नहीं चाहिए, बस वो पूरा वह दे दो, मुआवजा दे दे, हम लोग कोई तकलीफ नहीं है फिर, और पार्षद होना चाहिए मोहल्ला में, जब हमारे मुसीबत में पार्षद काम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ये अपना मोहल्ला है, बहुत गरीब मोहल्ला है, सब घर जुड़ा जुड़ा है, अचानक शॉर्ट सर्किट हुई और आग लग गई। आग लगने में पूरे बस्ती के लोग बच्चे से लेके घर का पानी तक पीने का नहीं बचा, और हमारे पार्षद को बस्ती के लोग 50 से 60 बार फोन लगा चुके हैं, हर कोई
पार्षद अभी तक नहीं आए, अभी जो घटना घट चुकी है अभी तक नहीं आए, बस्ती के लोग ही ने बुझाया, शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। बीते दिनों दुर्ग के हरना बांधा क्षेत्र में हुई हत्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने दुर्ग कोतवाली थाने का घेराव किया और हत्या के आरोपी मुरली साहू का साथ देने वाले अन्य युवकों की गिरफ्तारी की मांग थाना प्रभारी से की। दुर्ग कोतवाली थाने में बड़ी संख्या में मौजूद हरना बांधा वार्ड 8 में निवास करने वाले ये वही लोग हैं जिनके वार्ड में रहने वाला कमलेश सारथी बीते दिनों मुरली साहू के चाकू का निशाना बना और आपसी रंजिश पूरे घटनाक्रम का कारण बनी। हरना बांधा में हुई कमलेश सारथी की हत्या को लेकर पुलिस ने मुरली साहू व अन्य दो युवकों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में मुरली साहू की गिरफ्तारी कर बाकी दो अन्य आरोपियों को रिहा कर दिया गया, जिस पर वार्ड के लोगों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि घटना में आरोपी मुरली साहू का साथ देने वाले अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाए और कड़ी सजा सभी को दी जाए। मीडिया को जानकारी देते हुए वार्ड में रहने वाली नूरजहां बेगम ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों की गिरफ्तारी जल्द कर उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए। हम ये मांग लेकर आए हैं मैडम कि जो निर्दोष हैं वो निर्दोष बच्चा जो जिसकी मृत्यु हो गई, जो दोषी हैं उनको छोड़ दिया गया। हमारी मांग बस ये है कि जो दोषी हैं उनको सजा दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, बस यही मांग लेकर हम पुलिस वाले के पास आए हैं। पुलिस उस दिन गई थी, पुलिस का कहना है कि उस दिन जब वहाँ मोहल्ले में गए थे और सबको बुला के पूछना चाहा, उस दिन कोई तो मैडम वहाँ पर ये भी बात है ना कि वो सब घबराए हुए थे ना, स्पॉट पे वहाँ पर सब घबराए हुए थे। तुरंत ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उस बच्चे को 10-15 मिनट पहले सबने अच्छा देखे थे और 10 मिनट के बाद अगर उसके ऊपर इतना बड़ा हादसा हो गया तो हर कोई घबराया हुआ था, तो कोई गवाही नहीं दे पाया था। मोहल्ले में हर कोई जानते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो भी बनाए हैं और कई लोग ऐसे जो उन्होंने आंखों से देखा है। अब ये बात धीरे धीरे पता चल रही तो पूरे मोहल्ले वाले आक्रोशित हैं और वो लोगों को 2 दिन के अंदर में छोड़ दिया गया, इसलिए और भी ज़्यादा आक्रोश हो गए हैं सबको, सब आक्रोशित हैं, सब नाराज हैं कि दो रोज़ के अंदर में उन लोगों को छोड़ दिया गया। उनके घर वाले लोग इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ लिया, हमारा क्या उखाड़ लिए, अच्छा हो गया कि वो मर गया ऐसा बात कर रहे हैं, तो ये निहायत ही गलत है ना। हमारा बस ये कहना है कि जो दोषी वर हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए प्रशासन से। वही दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी राजेश पागड़े ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे तभी। ऑलरेडी गिरफ्तार हो गया, उसको रिमांड पर भेजा गया है। मोहल्ले वालों का कहना है कि उसमें और भी आरोपी हैं, लेकिन अभी तक की जाँच में पाया गया है कि एक आरोपी जो था जो घटना में शामिल था वो उसको अपन गिरफ्तार करके ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं। और दूसरे तथ्य जिनके बारे में आरोप लगा रहे हैं, अभी तक तथ्य कुछ सामने आया नहीं है, कोई सबूत आया नहीं है सामने, फिर भी मोहल्ले वाले यदि बोल रहे हैं तो हम उसकी और बारीकी से उसकी जांच करते हैं। यदि कोई अपराधी होगा तो हमारे चंगुल से नहीं बच पाएगा, और जैसे ही हमको सबूत मिलता है, जैसे ही उसके खिलाफ कोई बोलने वाला मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार करने की बात वार्ड के लोगों को कही है और वर्तमान में एक एक पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, ग्रैंड न्यूज में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमबिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी, तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासुगुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद ग्रैंड न्यूज पे आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच दुर्ग के बाद भिलाई निगम आयुक्त ने भी आदेश जारी किया है। वहीं खेलकूद मैदान, तालाब व उद्यानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। भिलाई निगम आयुक्त के आदेश में मैत्री बाग गार्डन, मरौदा सेक्टर 5, शहीद पार्क, नेहरू नगर, भेलवा तालाब समेत करीब 6 गार्डन को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कलेक्टर के निर्देश पर भीड़ होने वाली जगहों को गुरुवार से ही बंद करने का फैसला लिया है। चूंकि यहां कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था, संख्या बढ़ रही थी, इसलिए सभी गार्डन और पार्क को बंद कर दिया गया है। दुर्ग जिले के साथ साथ प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। वहीं कड़ी पाबंदी भी लागू करने जा रहा है। कलेक्टर ने निगम आयुक्तों को यह अधिकार दिया है कि जिन पार्क में लगातार भीड़ बढ़ रही है उसे बंद कर सकते हैं। इस अधिकार के तहत आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 18 मार्च से आगामी आदेश तक पार्क बंद रखे गए हैं। कोरोना संक्रमण का प्रकरण निरंतर बढ़ रहा है, ऐसे में मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंस ही कोरोना संक्रमण का बचाव है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर में एक युवती को प्यार का झांसा देकर उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे कथित प्रेमी ने लाखों रुपए नकदी और सोने के गहने हड़प लिए। युवती और उसके परिजनों द्वारा इस बात की शिकायत दल्ली राजहरा पुलिस में की गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। दरअसल पुलिस मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक पहले युवती को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, जिसके बाद अपना स्वास्थ्य खराब होने और इलाज कराने के नाम पर युवती से पैसे की मांग की। युवती ने युवक की बातों में आकर लगभग 3,60,000 रुपए दे दिए और जब युवती द्वारा युवक से पैसे वापस करने की बात कही गई तो आरोपी आकाश जायसवाल उर्फ गोल्डी दल्ली राजहरा निवासी ने पैसे देने में आनाकानी कर उसे घुमाने लगा। वही युवती द्वारा
लगातार पैसे वापस करने की मांग की गई तो आरोपी युवक ने युवती की अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी और फिर 1,90,000 साथ ही युवती के कान के सोने के झुमके को ले लिया। इसी तरह अब तक कुल 5,50,000 रुपए युवती से ब्लैकमेलिंग कर ले चुका है, जिसकी जानकारी युवती के परिजनों को होने के बाद युवती के साथ थाना पहुंच आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। प्रार्थिया द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी आकाश जायसवाल उर्फ गोल्डी, पिता अशोक जायसवाल, उम्र लगभग 23 साल, निवासी वार्ड नंबर 24 राजहरा, ने उससे प्रेम करने का नाटक किया। इसके बाद अपने आप को बीमार होना बताकर लगभग 3,60,000 रुपए ले लिए। बाद में प्रार्थिया द्वारा अपने रुपए की मांग की गई तो वह इधर उधर होई वाला करते रहा। प्रार्थिया से उसे व्हाट्सएप कॉल में बात हुई थी, उसको लेकर वो कहता था कि मैंने तुम्हारा अश्लील फ़ोटो अपने पास रखा है, उसे मैं वायरल कर दूंगा, ऐसा वो धमकी देने लगा और उससे डराकर फिर से 1,90,000 रुपया और उसके कान के सोने के झुमके को भी ले लिया। इस प्रकार से आरोपी द्वारा कुल 5,50,000 रुपये नकदी प्रार्थिया से लिया है। इस प्रकरण में आरोपी आकाश जायसवाल, निवासी राजहरा, की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की है। वहीं आरोपी द्वारा युवती के झुमके को ICICI बैंक में गिरवी रख लोन लिया गया था, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है और आरोपी ने एक स्विफ्ट कार भी खरीदी की थी, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। वहीं आरोपी युवक हिरासत में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बीते 20 सालों से मिट्टी और मेटल की एक से बढ़कर एक बड़ी और छोटी प्रतिमा बनाने वाले कुर्रे दंपत्ति अब अपने बोरसे निवास में अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। बच्चे भी मिट्टी की प्रतिमाओं को बनाने में विशेष रुचि ले रहे हैं। कुर्रे दंपत्ति की बनाई हुई मूर्तियाँ भारत के कोने कोने में स्थापित है। इसके अलावा दुर्ग जिले में भी कई स्थानों पर इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ शहर की शोभा बढ़ा रही है। गुरुवार को ग्रैंड न्यूज की टीम ने कुर्रे दंपत्ति से बातचीत कर जानने का प्रयास किया कि उन्होंने कहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी कला को विस्तारित रूप दिया। दुर्ग के बोरसी मीनाक्षी नगर में रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस कुर्रे बीते 20 सालों से अपने निवास में रहते हुए एक से बढ़कर एक मिट्टी और मेटल की विशाल प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं और इन प्रतिमाओं को देश के कोने कोने से खरीदने लोग संपर्क भी कर रहे हैं। कड़ी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ लक्ष्मी कुर्रे और उनके पति मनोज कुर्रे मेटल की प्रतिमाओं को बनाने में जी जान से जुटे रहते हैं। मेटल की बड़ी और छोटी मूर्तियां ऐसी जिन्हें देखकर देखने वाला हैरान हो जाए। आपको बता दें कि कुर्रे दंपत्ति द्वारा बनाई गई महापुरुषों और क्रांतिकारियों की अनेकों प्रतिमाएं देश के साथ साथ दुर्ग जिले के चौक चौराहों की शोभा बढ़ा रही हैं। अपनी इस प्रतिभा को और विस्तारित करने लक्ष्मी कुर्रे और उनके पति मनोज कुर्रे अब बच्चों को मूर्ति बनाने की कला का प्रशिक्षण निशुल्क दे रहे हैं। खैरागढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त कर मूर्ति कला में डिग्री हासिल करने वाले कुर्रे दंपत्ति द्वारा बनाई गई मूर्तियां लाखों रुपए में खरीदी जाती हैं। ग्रैंड न्यूज की टीम ने जब लक्ष्मी कुर्रे और मनोज कुर्रे से बातचीत की तो उन्होंने अपनी कला के बारे में तो बताया, साथ ही यह भी बताया कि एक मूर्ति को बनाने में कितना समय और कितनी मेहनत लगती है। हम लोग यहाँ पर लगभग 100 से अधिक मूर्ति मेटल में करीब बना चुके हैं हम लोग, जो विभिन्न महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के सभी शहरों के अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत सारे नगर, जैसे शहरों के एक मूर्ति दिल्ली में भी लगी हुई है, मनमोहन सिंह जी उद्घाटन किए, अजमेर राजस्थान में मूर्ति लगाए हैं, बेंगलोर में लगाए हैं एक मूर्ति। एक मूर्ति बनाने में तो वैसे तो गवर्नमेंट से हम लोग वर्क आर्डर देते हैं, उस समय टाइम पीरियड बहुत कम देते हैं, हम लोग को मेहनत जो करना होता है तो और अच्छा से करने के लिए, फिर भी हम लोग 3-4 महीने में मतलब बना ही डालते हैं मूर्ति। मूर्ति बनाते लगभग 20 साल से हम लोग बना रहे हैं। इसके पहले खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ाई के दौरान, जैसे हमारे HOD मूर्ति कला विभाग खैरागढ़ विश्वविद्यालय में शिव प्रसाद चौधरी के नेतृत्व तो हम लोग दोनों पढ़ाई किए हैं, और उसके बाद से अपना प्रोफेशनल यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई मूर्तिकार ऐसा कर सकते हैं लगा हम लोगों की करना चाहिए, तो हम लोग शुरुआत किए जिसमें पुलगांव चौक में लगा हुआ दुर्ग में ही पुलगांव चौक की मूर्ति, मिनी माता की मूर्ति, ये हमारा पहला काम है।
नहीं, बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एक्चुअली क्या है कि बच्चे यहाँ वर्क देखते हैं, करते हैं, तो इंटरेस्ट होता है, तो मोहल्ले के बच्चे आते हैं, कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है उन्हें, बस उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको गाइडेंस देते हैं। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो वर्क, उसको थोड़ा फिनिशिंग करना, वर्क का प्रोपोर्शन, ये सब उसको क्लेरिफिकेशन कराते हैं ताकि वो थोड़ा और इंटरेस्ट लेते हैं और कुछ काम करते हैं। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रश्मि साहू ने भी बताया कि जब भी उन्हें खाली समय मिलता है वो प्रशिक्षण प्राप्त करने पहुंच जाती हैं। लगभग 2 साल हो गया यहाँ आते, और हम अभी शोपीस टाइप का छोटे मोटे चीज़ ही बना रहे हैं, जैसे कि ये सब है, बर्ड्स, शोपॉट, सब। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर ये नई चीज़ आप सीख रही हैं, कैसा लग रहा है? पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्ट आता है आंटी को देख के बनाते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है बनाने में। और कितने लोग हैं आपके साथ जो यहाँ पर सीख रहे हैं? 8-9 लोग हैं अभी, आधे बच्चे हैं और आधे आ रहे हैं। और आप रोज आते हैं यहाँ? हाँ, मतलब रेगुलर नहीं हो पाता कॉलेज और पढ़ाई की वजह से, अल्टरनेट में आते हैं। फिलहाल इन दिनों घोड़े पर सवार वीर पुरुष की प्रतिमा बनाने में कुर्रे दंपत्ति जी जान से जुटे हुए हैं, और आगे भी उनके द्वारा बड़ी मूर्तियों को बनाने का कार्य जारी रहेगा, जो अन्य शहरों के चौक चौराहों पर स्थापित की जाएंगी। और मूर्तियों को बनाने के लिए मनोज व लक्ष्मी कुर्रे को कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस के द्वारा पद्मनापुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सट्टा कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। सटोरियों के पास से पुलिस ने कुल 12,120 रुपए की राशि भी जब्त की है। 2 अलग अलग स्थानों से 6 सटोरियों को पद्मनापुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिसमें सोसाइटी चौक मार्केट बोरसी के पास से सट्टा खिलाते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5,630 रुपए जब्त किए गए। पूछताछ करने पर आरोपियों ने खाईवाल बिल्लू बागड़ी के द्वारा 300 रुपए रोजी में सट्टा पट्टी लिखने का काम करना बताया। वर्तमान में बिल्लू बागड़ी की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। वहीं दूसरी कार्यवाही में हनौदा से चंद्रखुरी रोड में खेत के भीतर सट्टा लिखने का काम किया जा रहा था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 6,490 रुपए जब्त किए। इस प्रकार दोनों ही मामले में पुलिस ने सटोरियों के पास से कुल रकम 12,120 रुपए जब्त किए हैं। मामले में पद्मनापुर चौकी प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव का कहना है कि मेन आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। आरोपी 6 हैं, 2 प्रकरण हैं। एक प्रकरण में 5,630 रुपए की जब्ती है और दूसरे प्रकरण में 6,490 रुपए की जब्ती है। कहाँ के आरोपी हैं ये आरोपी? सब यही बोरसी के रहने वाले हैं और ये मजदूरी के रूप में काम करते हैं। इनका जो खाईवाल है उसको गिरफ्तारी के प्रयास किए। फिलहाल सटोरियों पर नकेल कसने दुर्ग पुलिस ने अभियान छेड़ रखा है और पुलिस सट्टा पट्टी लिखने और लिखवाने वालों के खिलाफ अब सख्त नजर आ रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।